फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहां हुई? ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मदर, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। बीते साल दिसंबर के महीने में सैम बहादुर की अनाउंसमेंट वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद से हर कोई इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आया था। अब सैम बहादुर को लेकर एक बार फिर से खबरें बननी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते इस मूवी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सैम बहादुर का टीजर 13 अक्टूबर को रिलीज किया जाने वाला है। मेकर्स ने इस टीजर के लिए खास प्लानिंग करते हुए इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले गए दिन को चूज किया है। 14 अक्टूबर शनिवार को अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और इसी बीच सैम बहादुर के टीजर को क्रिकेट स्टेडियम में स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि सैम बहादुर के मेकर्स का यह दाव कितना सफल साबित होता है। वेल, आपको बता दें कि सैम बहादुर के अनाउंसमेंट वीडियो के साथ इस बात की जानकारी भी दे दी गई थी कि विकी कौशल की मूवी 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ऐसे में अगर सैम बहादुर आने वाले 1 दिसंबर को रिलीज होती है तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर मूवी एनिमल के साथ भी हो सकता है। वेल, विकी कौशल के अलावा सैम बहादुर में सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सैम बहादुर की ये कहानी इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है, और इस फिल्म को देखने के लिए हर कोई यहाँ एक्साइटेड नजर आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, कॉमेंट करके बताइए।